लखीमपुर कांड के विरोध में उबला हिमाचल। शिमला में किसान संगठनों ने तोड़ी धारा 144, जमकर की नारेबाजी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को किसान प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की जांच सोमवार को शांत प्रदेश हिमाचल में भी पहुंच गई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को किसान प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की आंच सोमवार को शांत प्रदेश हिमाचल में भी पहुंच गई। इस घटना के विरोध में राजधानी शिमला उबल पड़ी। किसान संगठनों ने मॉल रोड पर धारा 144 तोड़ते हुए करीब 3 घंटे तक जमकर प्रदर्शन व नारेबाजी की। शेरे पंजाब तक रोष रैली। ठियोग के विधायक राकेश सिंघा की अगुवाई में हिमाचल किसान सभा, C2, SFI, DYFY, जनवादी महिला समिति और दलित शोषण मुक्ति मंच के सदस्यों ने मॉल रोड के पुलिस रिपोर्टिंग रूम के बाहर धरना दिया। बाद में रिपोर्टिंग रूम से शेरे पंजाब तक रोष रैली निकाली गई। शेरे पंजाब पर भी करीब आधे घंटे प्रदर्शन चलता रहा। प्रदर्शनकारी लखीमपुर कांड के विरोध में गिरफ्तारी देना चाहते थे, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उधर SP ने कहा कि मॉल रोड पर धारा 144 तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सरकार हिंसा से दबा रही किसान आंदोलन, बोले सिंघा। विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि किसान आंदोलन को दबाने के लिए सरकार हिंसक तरीके अपना रही है। लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ जलियांवाला बाग जैसी क्रूरता की गई है। राष्ट्रपति तुरंत केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करे। मंत्री के बेटे के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT पूरे प्रकरण की जांच करे। हिमाचल किसान सभा के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर और महासचिव डॉक्टर ओंकार शाद ने कहा कि अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी।